Guys, about this quest. Ready. मार्शल आर्ट की तरफ था। हमने करीबन 4-5 महीने पहले शुरू कर दी थी अपनी ट्रेनिंग, और कोई चारा भी नहीं था, ज़रूरी था करना क्योंकि पूरी फिल्म जो है उस मार्शल आर्ट पे बेस्ड है। लेकिन क्योंकि बाकी तो फिल्म पूरी इमोशनल भी है, ड्रामा है, दो भाइयों की कहानी है, दो भाइयों के बीच में टकरार है, दरार है, दीवार है, और पूरी फिल्म के अंदर हमने जो है और क्या किया, मतलब रिंग के अंदर पूरा 52 दिन बिताए हैं जस्ट टू पिक्चराइज द होल, सारा का सारा क्लाइमैक्स 52 दिन फिल्म के अंदर हमने किया। सर ने वजन घटाया 10 किलो, मैंने 10 किलो, वो एक एक्चुअली बहुत हार्ड जॉब था कि यू नो 12 किलो निकालना और इसने 12 किलो बढ़ाना, और जो इन 50 दिन के दौरान भी उसको मेंटेन करना, एक्शन करते करते आपकी बॉडी ऊपर नीचे जाती है, पर हम दोनों ने वो वजन को मेंटेन करने की कोशिश करी और किया है। तो आई थिंक वो काफ़ी टफ होता है जब आप पूरे दिन एक्शन करके आके आपको जिम जाना पड़ता है या उससे पहले करना पड़ता है, तो काफ़ी खून पसीना गया इस बच्चे में। जब पिक्चर साइन करी तो काफी नर्वसनेस और एंग्जाइटी थी, ऑफ कोर्स सर के एक्शन अब हम देख चुके हैं, हम पसंद करते हैं, बहुत सालों का काम है, तो जब पता चला कि क्लाइमैक्स में है टक्कर तो थोड़ी बहुत डर जो फट जाती है ऐसे, और फिर वही था डिसीजन की टाइम देना पड़ेगा, कुछ भी नया सीखना है उसको कन्विंसिंगली करना है तो समय की ज़रूरत है, और मैंने वही किया, चार महीने कुछ नहीं किया, सिर्फ उठता था और एज अ फाइटर ट्रेन करता था, जिम ट्रेन करता था, मील्स खाता था वजन बढ़ाने के लिए, और फिर जब सेट पहुँचे तो तब भी सेम रूटीन था, बट ऑब्वियसली ज़्यादा थकान होती थी। और सेट पे सर के एक्सपीरियंस को हमने बहुत इस्तेमाल किया, सर की जो एक सेफ्टी नॉर्म्स हैं, इनको पता है कि कैसा एक्शन सही लगेगा या कैसा एक्शन इम्पैक्टफुल होगा, और या आई थिंक शूट करते हुए काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्शन में, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर से बिहाइंड द कैमरा, जिस तरह ये अपने दिन को हैंडल करते हैं, जिस तरह ये अपने टाइम को हैंडल करते हैं, तो मैं काफ़ी कुछ लेके जाऊँगा इस पिक्चर से। हाँ जी, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं था, दो भाइयों की कहानी, तो मैं बोला ब्रदर्स, इसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार नहीं था। इसके पीछे कोई कहानी है या ऐसा कुछ है? किसकी कहानी? टाइटल आपने डिसाइड किया? नहीं, जब कहानी सुन रहा था तभी मुझे ये टाइटल सूझा, सो आई जस्ट सजेस्टेड व्हाई डोंट वी कीप द फिल्म कॉल्ड ब्रदर्स इंस्टेड ऑफ, पहले तो यहाँ तक बात हुई थी कि वॉरियर ही रखते हैं, मतलब वॉरियर तो जाता नहीं है हमारी फिल्म के साथ, ये दो भाइयों की कहानी है, सो आई थिंक ब्रदर्स वाज द एप्ट टाइटल फॉर दिस फिल्म। जैकलिन, टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर। आई प्ले जेनी फर्नांडिस, हु इज द वाइफ ऑफ डेविड फर्नांडिस प्लेड बाय अक्षय, एंड वी आर गोइंग थ्रू a struggle at home because of our daughter, and for me, I mean, my character is going through her own a difficult phase because, you know, she wants to be supportive of her husband, you know, who goes back into MMA to save his daughter, but at the same time she does not want to lose her husband or her daughter. So it's a very, very intense character, and it's a very, very difficult one as well, because of what she goes through, but it is definitely something that everyone can relate, I mean, not everyone, but a lot of people will be able to relate to. You know, when there are struggles at home, when it comes to money, when it comes to health, and getting into the skin of the character was something that, you know, luckily my director Karan Malhotra was able to really help me with. Siddharth, Akshay ko punch kiya hai aapne, kya difficult raha as a kuch fighting sequence karte samay? कोरियोग्राफ पंच था, असली में पंच तो नहीं किया, बट बहुत दोनों के लिए डिफिकल्ट था। एक जो पंच, अगर पिक्चर में आप किसी को पंच करते हैं तो आपका पंच तभी अच्छा लगता है जब आप दूसरे का रिएक्शन अच्छा हो, तो वो सर को जानकारी काफ़ी है कैसे शीट करना है, कैसे दिखाना है, कौन से एंगल से, तो ऑफकोर्स डिफिकल्टी वो थी कि कैसे आप याद रखें, हमें याद है कि हमें पूरी कोरियोग्राफी जैसे डांस की तरह याद करनी पड़ती थी, 1 2 3 4 लात घुसा पंच, नहीं वो अगर एक मिस हुआ तो सही में पड़ता था, तो उसमें बहुत मेहनत करी, शूट के दौरान भी हम लोग रिहर्सल करते थे सारे मूव्स, चाहे हम सेट शूट से पहले तो काफ़ी बार 4-5 बार कर चुके होते थे, तो तभी वो फ्लूइड लगता है, अच्छी तरह लगता है, तो
होती है जैसे एक्शन, पर असल में एक्चुअली टच करना पड़ता है जैसे सर बताएंगे, इसमें हम लोग कुछ और चीट नहीं कर सकते, तो वी एक्चुअली हैड टू टच। ऐसा कभी हुआ कि बड़े खत्म तो होंगे उसका सारे तुम्हें पूछेगा वही अकेले ही खत्म तो जवाब दे देंगे उसको। हाँ बोलो। एमएमए में जिस तरह हमारे पास कोई कोई कॉस्ट्यूम नहीं है चीट करने के लिए, तो अगर आपको इम्पैक्ट दिखाना है तो यू हैव टू टच, अगर लेग मारनी है तो लेग यहाँ टच करनी पड़ी। तो बेसिक थिंग इज दैट वी बिफोर जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, वी हैड टू ट्रेन समथिंग कॉल्ड कंडीशनिंग। Conditioning is where you train your body to take punches directly. So I have to hit, I cannot cheat. I have to hit him. And that, the body takes it, the stomach takes it, your legs takes it, your calves take it, your hand takes it. So that conditioning was very essential to pitcherize an MMA fight. Akshay, Siddharth, well, the two of you all do look like you all are somehow from the same family, brothers. There's something very special, of course, between the bond between two brothers. So how much did you actually play on ensuring that chemistry came across for real on screen? Well, actually, we're going to miss promoting the film now because the film is like now going to release and the promotion is going to come to an end today. And so we have decided that hum tino mein se kisi ki bhi aur film release hogi, even we are not there, we are still going to promote it. We still want to come. Yes, we'll still promote that film. They will be together. We'll become promotional gang. Yeah. Jacqueline, there's a question coming to you live on the same app from Ravan. He wants to know how easy or difficult it was for you to play Jenny Fernandez. Well, I mean, there are similarities in, you know, the last name and, you know, also being from a Christian family, being in that kind of a household. But at the same time, because I was playing a mother, that is something completely new to me and unknown to me as well. And also a mother who is battling for the lives of her daughter and her husband. So that also is definitely something very, very difficult to kind of pull off. Siddharth, aap, अक्षय सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपका एक्शन उन्हें काफी अच्छा लगा, तो ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जब उनसे इस तरह का कॉम्प्लीमेंट आता है आपके लिए? बहुत खुशी होती है। आई थिंक ही इज बीइंग एक्सट्रीमली स्वीट एंड एनकरेजिंग मिलती है, बिकॉज हमने बहुत समय बिताया है। सर को पता भी है कि मेरा बैकग्राउंड मार्शल आर्ट से नहीं है, तो या आई थिंक काफ़ी खुशी मिलती है। आगे जाके कोशिश करेंगे कि कुछ और करें, ऐसी एक्शन जोन में कुछ बेहतर करें। अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। शूट के दौरान हम भी दोनों ही एक ही टाइम पे उठते थे। मैं अपने जिम में ट्रेन करके आता था सुबह 5 बजे की तकरीबन सर आपके जिम से, और हम लोग 7 बजे तक शूट करते थे रोज़। तो हमने ऐसे 50 दिन किया है, प्रमोशन भी हम लोग जल्दी करें, तो मुझे सुबह उठने में एक्चुअली अच्छा लगता है। तो मैं सर के साथ रह के दिखता है कि कैसे आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है बाकी चीज़ें करने का। सुबह 7 से 2 कर लो, उसके बाद सारा दिन फ्री है। एक्चुअली इट वाज अमेजिंग। हमने प्रमोशन भी सुबह 6 बजे 6:30 बजे किया है, और 11 बजे ट्रैफिक नहीं मिलता। एक बात बता ना, भास्कर भाई क्यों सुबह 6:30 बजे 7 बजे काम नहीं करता? व्हाट टाइम यू यूज्ड टू गो टू स्कूल? सॉरी, व्हाट टाइम यू यूज्ड टू गो टू स्कूल मैम? By 6, the people used to laugh. Just because it was school, that's why. I think it's a very funny question. You know, sometimes when people ask, they say, "Aap subah subah uth jaate? Le to beta subah nahi uthenge to kab uthenge? Aap raat ko jaldi soye to? Abhi jaldi nahi soenge to kab karenge? Kyun?" I find it very, very amusing. It is. Early morning, we actually used to finish everything. 2 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाता है, एंड द होल डे एक्चुअली इज योर्स। एंड प्लस सुबह सुबह आप जब जाते हो काम पे, देयर इज नो ट्रैफिक। आप जो आपकी जर्नी है ट्रैफिक की वजह से, जो 1.5 घंटा लगता है आपको जू से फिल्म सिटी पहुंचने में, वो आप 20 मिनट में निकल जाते हैं। और दोपहर को बिकॉज देयर इज लेस ट्रैफिक, आप घर जल्दी पहुँच जाते हैं। सो हाउ मच टाइम एक्चुअली, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू लर्न दैट एंड यू कैन डू दैट, एंड इट इज गुड फॉर यू, इट इज गुड फॉर पीपल। Making the extra effort. That same question, following with that time management, what you take home after like working with Akshay sir? He used to take my lunch. Food, yeah, take home, keep it. Lots of food and lots of things to learn. Yeah, front of the camera, तो of course है ही। I think behind the camera जैसे sir बात कर रहे हैं, किस तरह से अपने ये life को handle करते हैं, how he handles his stardom, his things, his shoots, activities that he does in one day.
the discipline that he has, his team has, is a lot to learn. And किस तरह से ये relax way में उसको करते हैं? कोई मैंने अभी तक इनको stressed या गुस्से में ऐसा नहीं देखा दिन में, तो बहुत encouraging है एक young actor के लिए कि आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं और ऐसे relax way में. Jacqueline, last two questions. Jacqueline, normally heroines on screen mom बनने के लिए थोड़ा सोचती हैं, समझती हैं Like playing the role of a mother can actually be a very, very beautiful thing. And keeping in mind that we have mothers of all ages. Absolutely. You know, so I don't see why there should be a hesitancy to actually play the role of the mother. And it's a challenging role. It's a character. And if you as an actor can, you know, go between playing a mother, to playing a student, to playing a teacher, to playing whatever it is, then that just shows your range. And that's important for us. That's what keeps us alive, I think, as actors. Yes. She cut 8 cakes. From I don't know कहाँ कहाँ से आ रहे थे केक. From midnight. कहीं left जाए तो कोई केक लेके खड़ा हो जाए. Right जाए फिर कोई आ जाता है. उन्होंने क्या-क्या present किया? अजी आज 14 तारीख को present दे रहे हैं हम. हाँ. The film. They've given us they've given. बहुत बड़ा सा 70. That was big enough. And we had a fantastic day yesterday. It was probably one of the longest days I've ever had in my life because it started at 12 midnight. But it went on and everything, I think, was a lot of fun because these two were there. And yeah, and it was one of my best birthdays. Thank you, guys. Akshay sir, would you like to know your reaction on the recent AIB video which has come up with Irfan Khan? Yeah. I think it's very funny. I think it's... it's in great humor, and I think he not only made fun of the song, he made fun of himself also, because he himself has done that song. Ek gana kiya tha, thank you, meri film mein kiya tha, same kind of moves he did, and I think it's in a great humor. That's probably be your last press interaction, so after the entire city tours and everything, what's that one question that you're completely tired of answering regarding Brothers? What is MME? No. Then? No. How was it working with Siddharth? How was it working with Jacqueline? कैसा लगा आपको अक्षय सर काम करने में? कैसा लगा आपको Jacqueline? Minus what is MMA? But nobody asked you except today. They were only asking us. They asked me once you must today. Have only, I was you must have got tired of hearing it. Yes, that's true. And I got asked it today. Jacqueline, what is MMA? It's a mix of all the martial arts together in a blender. In a blender. Protein. Drug addict. 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 Drug addict